भी यहाँ पे सीनियर सुप्रिंटेंडेंट पुलिस भवानीपुर श्री लक्ष्य शर्मा आईपीएस ने राष्ट्रीय ध्वज को सलूट किया। आप सभी को एक बार फिर खासतौर से जिला इंतजामिया भवानीपुरा आपको यहाँ पे आपकी तशरीफ आवरी के लिए इस्तकबाल करता है। यहाँ पे आए हुए हमारे जुडिशिय सीनियर जज साहिबान, पद्मश्री फैसल अली डार, प्रेसिडेंट एमसीबी भवानीपुर, एडीसी मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, मीडिया पर्सन, सीनियर सिटीजन, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, माकामे काली, माकामे पीएचई, माकामे यूथ सर्विस सपोर्ट्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, एआरटीओ, सपोर्ट्स काउंसिल, रेवन्यू, एमसीबी, फ्लोरिकल्चर, आरडीडी, जम्मू कश्मीर पुलिस, आप सबके बिन जुमला कावशों और कोशिशों से आज की इस शायद शायद तकरीब को यहां पे अंजाम दिया जा रहा है। पिछले सर्वे यम जमहूरिया की रंगारंग तकरीब एसके स्टेडियम भवानीपुरा में यूनिफॉर्म पार्क पास कॉन्टीजेंट्स के साथ स्कूली बच्चे, जम्मू कश्मीर पुलिस का एग्जीक्यूटिव बैंक यहां पे आज की मार्च पास में यहां पे शिरकत कर रहे हैं। बेजर है जो जज्बे हुक्म वतनी से, वो लोग किसी से मोहब्बत नहीं करते, बस कुछ ही लम्हात में आज की तकरीब के मेजबान आली डिप्टी कमिश्नर भवानीपुर भी यहां आके परचम को सलूट देंगे। उसके ठीक बाद बस कुछ ही लम्हों में आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन जनाब अब्दुल गनी भट्ट साहब यहां परचम कुशाई की रस्म को अंजाम देंगे। कुछ ही देर में यहां पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल भवानीपुर जनाब शकीर रहमान साहब आईएएस राष्ट्रीय ध्वज को सलूट करेंगे। आप सबको ये बताते चले जैसे ही यहां पे राष्ट्रीय धुन बजेगी परचम कुशाई की रस्म के साथ आप स्टैंडिंग ओवेशन जरूर दें। पिछहत्तरवे योम जमहूरिया की आलीशान तकरीब रंगारंग तकरीब इसके स्टेडियम भवानीपुरा में आज मुनक्कद हो रही है। सारे मुल्क के साथ जहां पे राजपथ पे आज मुल्क की सबसे बड़ी तकरीब मुनक्कद हो रही है उसी के साथ बड़े ही जोश और जज्बे के साथ आलीशान तरीके से आज यहां की तकरीब में यूनिफॉर्म कॉन्टीजेंट, स्कूली बच्चे और बहुत सारे स्कूलों से आए हुए हमारे स्कूली बच्चे यहां पे सकाफती प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। जिला इंतजामिया भवानीपुरा Thank you.
अभी यहाँ पे तकरीब के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन जनाब कुलकर्णी भट्ट साहब ने राष्ट्रीय परचम को सलूट किया और यहाँ पर परचम कुशाई की रस्म को अंजाम दिया। फर्स्ट परेड कमांडर जफर मेहदी केपीएस 2012 सलामी मंच के सामने। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। न्योता दिया है यहाँ पे आज के मेहमान खुसूसी को कि वो आके यहाँ पे जमहूरिया की तकरीब में शिरकत करें, हमारे पास पॉजिशन का मुआयना करें। मेहमानी खुसूसी के साथ मेजबान आली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर वालीपुर जनाब शकील रहमान साहब IAS यहाँ पे तशरीफ आवर हो चुके हैं। पायलट वाहन में सवार फर्स्ट परेड कमांडर के साथ तकरीब के मेहमानी खुसूसी जनाब अब्दुल गनी भट्ट साहब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन। पायलट वाहन में SSB बानीपुर श्री लक्ष्य शर्मा आपके साथ फर्स्ट परेड कमांडर जफर मेहदी KBS 2012 आज की परेड की कमान संभाले हुए सेकंड परेड कमांडर SI अल्ताफ हुसैन। पायलट वाहन धीरे धीरे मार्च पास कॉन्टिजेंट्स की ओर बढ़ता हुआ मार्च पास का मुआयना करने के लिए 75वें योम जमहूरिया की अजीम शान और आली शान तकरीब SK स्टेडियम बानीपोरा में आप सबको एक बार फिर तकरीब के मेहमान मेजबान आली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बानीपुर जनाब शकील रहमान साहब की तरफ से इस्तकबाल। जिला इंतजाम है बानीपुर आप सबको यहाँ पर तशरीफ आवरी के लिए इस्तकबाल करता है। पिछहत्तरवे जमहूरिया का जोशु खरोज के स्टेडियम बानीपोरा में मेहमान खुसूसी पायलट वाहन में CRPF और बटालियन की टुकड़ी के सामने आपके साथ पत्थर की मूर्तों को समझता है खुदा खाके वतन का मुझे उसको हर जरा देता है। पायलट वाहन धीरे धीरे मार्च पास टुकड़ियों के सामने से बढ़ता हुआ जिनके ठीक पीछे आज के मार्च पास में पूरी बच्चे भी शिरकत कर रहे हैं और किसी मुस्कुराहट का जो से खाकी में मलबूस यहाँ पे आज की 75वें योम जमहूरिया की तकरीब में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पे अभिनंदन कर रहे हैं हाथ मिला के आज की मेहमान खुसूसी पायलट वाहन में सवार और यहाँ पे आज हुए हमारे मेहमान हाथ मिला रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं हौसला अफजाई कर रहे हैं मेहमान खुसूसी की जिन्होंने अभी अभी यहाँ पे 75वें योम जमहूरिया के मौके पे SK स्टेडियम बानीपोरा में परचम कुशाई की रस्म को अंजाम दिया। आप सबको जिला के सरबरा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बानीपुर डिप्टी कमिश्नर बानीपुर जनाब शकील रहमान साहब आप सबकी तशरीफ आवरी के लिए यहाँ पे इस्तकबाल करते हैं। जिला इंतजाम है बानीपुर जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स आर्मी CRPF यहाँ पे जुलूस से आए हुए हमारे सीनियर जज साहबान सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स यहाँ पे नाय अबला के लोग सीनियर सीजन जिले पास है अस्पताल हम सबको यहाँ पे तशरीफ के लिए इस्तकबाल कर रहे हैं। हमारे खुसूसी दोबारा यहाँ पे आलिशान तकरीब 75वें योम जमहूरिया की आलिशान तकरीब आज SK स्टेडियम बानीपुर में मुनक्कद हो रही है। Hey!
सुरेश कुमार जी ने यहाँ पे परेड को विश्राम में लाया है। अब यहाँ पे हमारी खुशूसी की तकरीब यहाँ पे मेहमान खुसूसी की तकरीर होगी। आज की तकरीर के मेहमान खुसूसी शेख अब्दुल गनी भट्ट साहब, जिन्होंने अभी अभी यहाँ पे परचम कुशाई की रस्म को अंजाम दिया है। अरे हम लोग आज से 75 साल कबल हमारे मुल्क का आईन मुरतब किया गया है और उसी एजाज में आज हम यौम जमहूरियत की तकरीब मुल्क भर में मना रहे हैं। हमारे मुल्क भारत को 26 जनवरी 1950 यानी आज के ही दिन एक जमहूरी मुल्क कहलाने का शरफ हासिल हुआ। साल 1947 में मुल्क की आजादी का खाब शर्मंद तबीर होने के बाद वाती जीज के आला मुफक्करों, सियासतदानों, आला कानूनदानों ने मुल्क के रोशन मुस्तकबल के लिए एक हमेशा कोशिश की है कि भारत दुनिया भर में एक आजाद जमहूरी मुल्क बनकर उभरे। जमहूरी कदर की पासदारी करना मुल्क का हर एक शहरी अपना फर्ज अवलियन समझता है। जमहूरियत की बदौलत हर एक शहरी को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। बगैर जात पात, रंग नस्ल, मजहब मिलत हर एक हिंदुस्तानी का दर्जा एहसान है। हम सबको अपनी बोली, अपना पहनावा, अपने रीति रिवाज, अपने अपने मजहबी अकीदे और अपनी तर्ज जिंदगी बसर करने का भरपूर हक हासिल है। आज हम उस बरगुजीदा शख्सियत यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश करते हैं, जिसने हमारे मुल्क के आईन को मुरतब करने में नुमाया किरदार निभाया। हमारे मुल्क आईन की बदौलत ही आज विश्व गुरु बनने का दावा करता है और ये ख्वाब जरूर शर्मंद ताबीर होगा। इस साल का यौम जमहूरिया विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मुतरका से मंसूब किया गया है। हमारे मुल्क के तजुर्बेकार साइंसदानों ने खला में चंद्रयान 3 मसनूई सियारा भेजने के बाद एक और तारीख रकम की है। वही मुल्क के आला तालीमी माहरीन की बदौलत एक नई तालीमी पॉलिसी यानी LEP 2020 को मुल्क भर में मुतारिफ और राइज करने से तालीमी निजाम में एक नए सुनहरे बाब का आगाज हो रहा है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि बाड़ीपुरा के एक नौजवान बिलाल अहमद डार ने अपने बलबूते पर वॉलर की सफाई के इकदाम उठाए, जिसका तस्करा मुल्क के वजीर आजम ने मन की बात प्रोग्राम में भी किया है और आज बिलाल अहमद डार को उसकी हौसला अफजाई के लिए मुल्क की राजधानी में हो रही यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब में शिरकत के लिए बतौर मेहमान मंजूर किया है। जहाँ मुल्क तरक्की के राह पर गामजन है, वहीं हमारा जिला इंजामिया बाड़ीपोरा यहाँ के मुकामी अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर तमीर तरक्की में मजीद वसत लाने के लिए कमर बसता है। रवानबाजी साल 2023-24 के दौरान जिला बाड़ीपोरा तमीर तरक्की की नई राह पर गामजन है। यहाँ एकाना मनुष्य की जिला के लिए डिस्ट्रिक्ट कैपिटल बजट के तहत जिला बाड़ीपोरा को 42.47 करोड़ की रकमा तामीर तरक्की के लिए मुख्त की गई है, जिसमें से 51.06 करोड़ रकमा वागुजार की गई है और इन रकमा में से 33.51 करोड़ मुख्तलिफ
तामीरी कामों पर सर्व किए गए हैं। जिला भर में 1755 छोटे बड़े कामों की निशानदेही की गई, जिनमें से 1350 कामों को माली साहब यानी 2324 के दौरान पाई तक मिल तक पहुँचाने का हदफ मुकर किया गया है। 2 करोड़ की लागत से स्पेशल ब्लॉक सिक्किम के तहत ब्लॉक एल और बिलियल में साधारण तामीर तारीखी के काम मुकर्रर किए जाने के साथ साथ रवान माली साल के दौरान ही पाई तक बिल तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। एस्पिरेशनल पंचायत डेवलपमेंट स्कीम के लिए 1.20 करोड़ मुख्तस किए गए हैं, जिसमें से 30 लाख रुपए मुख्तलिफ कामों पर सर्व किए गए हैं। R&P सेक्टर के तहत 13 नई सड़कों के काम को दर्जस्त लिया गया है, जिनमें से अभी तक 9 सड़कों पर काम शर्दमत से जारी है और अक्सर बेशतर काम मुकम्मल किए गए हैं। इन नई सड़कों की तमीर तजदीद से आम रफ्तार और लोगों की आवाजाही की कठिनाइयों को दूर किया जाएगा। हमारे जिला में आवामी नुमाइंदे यानी DDC, BDC, PRS के जरिए अपने अपने इलाकों में मौजूदा माली साल के दौरान 28.05 करोड़ रुपया मुख्तलिफ तामीर तारीखी के कामों पर खर्च किए गए हैं। महकमा टैलियन ने रवान साल के दौरान 7 करोड़ रुपये की लागत से 3 अहम तामीराती कामों को मुकम्मल किया गया है, जिनमें से 100 बेड वाला गर्ल्स हॉस्टल, 10 कमरों पर मुश्तमिल 2 मंजिला इमारत और 12 कमरों पर मुश्तमिल 3 मंजिला इमारत अनकरीब वक्त में आवाम यानी बिलखसूस स्कूली बच्चों के नाम वक्त की जाएगी, जिससे यहाँ के तालीमी निज़ाम में मजीद वसत आएगी। महकमा सेहत शहरी तरक्की सेवा योजना PHE वगैरह के लिए 1.25 करोड़, 3.44 करोड़, 1.16 करोड़ रकमा मुफ्त की गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे जिले को मुल्क के सबसे बड़े NH 43 यानी हाईवे जोड़ने के लिए रिंग रोड तामीर कर रही है, जिसकी लंबाई तकरीबन 24 किलोमीटर है, जो सराय डांगरपोरा से मणिगाम तक 477 करोड़ की रकम से तैयार किया जाएगा और इस रिंग रोड को साल 2026 तक मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। सियाती, सकाफती, समाजी, तालीमी, खेलकूद और दीगर सरगर्मियों में हमारा जिला हर सतह पर अपना लोहा मनवाने में कामयाब हो रहा है। वहीं सामाजिक विकास बिलखसूस मनशियात के कारोबार में मुलवस अपराध पर काबू पाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस मुजरिमों पर नकेल कसने में पूरी तरह कामयाब हुआ है, जिसके लिए हम सबको उनकी सताइश करनी होगी। आखिर पर मैं आज की इस तकरीब में शिरकत करने वाले मार्च पास अंजनजेंटस स्कूली बच्चों, फौज, नियम फौजी दस्तों, सिविल इंतजामिया, जम्मू कश्मीर पुलिस, यहाँ की गोयो आवाम और इंतजामिया को आज की इस रंगारंग तकरीब में शिरकत करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जय हिंद। मेहमानी खुसूसी की तकरीब। सबसे खुश आयन बात यह कि जिला बांदीपोरा को रिंग रोड के जरिए NH 44 के साथ जोड़ा जाएगा। फर्स्ट परेड कमांडर, एक बार फिर सलामी मंच की ओर। परेड को कूच करने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। फर्स्ट परेड कमांडर जफर बेदी के बेस 2012 ने मेहमानी खुसूसी परेड को सलामी मंच के सामने से कूच करने की आज्ञा मांगी है और बाजाब्ता यहाँ पे आज्ञा मिली है। सेकंड परेड कमांडर है अल्ताफ हुसैन, ठीक फर्स्ट परेड कमांडर के सामने
यहाँ पर प्रेयर की कमान संभाले हुए कमांडर अपने आप ही पलटन के सामने फर्स्ट परेड कमांडर की तरफ से भाषण सबसे पहली टुकड़ी सीआरपीएफ फोर्थ बटालियन के पलाटून कमांडर एसआई दुर्गा प्रसाद तिवारी ने अपने पलटन को सलामी मंच के सामने से कूच करने के लिए अलर्ट किया सफर परेड कमांडर एसआई अल्ताफ हुसैन फर्स्ट परेड कमांडर सफर वैदी के साथ परेड की कमान संभाले हुए सबसे पहले लगातार आज की तकरीब के दौरान खुशी आपके साथ यहाँ पे एस एस पी डाउन पे डिप्टी कमिश्नर डाउन पे सलामी मंच पे मार्च पास हल्के धीरी चाल के साथ यहाँ पे सलामी मंच के सामने फर्स्ट परेड कमांडर अपने सफल परेड कमांडर के साथ यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज को सलूट करते हुए फर्स्ट परेड कमांडर के साथ सफल परेड कमांडर एसआई अल्ताफ हुसैन और बता दें एसआई दुर्गा प्रसाद तिवारी सभी आए हुए मेहमानों से गुजारिश है कि वे भाजपा पंडित जन की हौसला अफजाई के लिए तालियां जरूर बजाएं पुलिस देश के आगे कर रहे हैं एसआई मुदस्सिर अहमद एसआई मुदस्सिर अहमद जम्मू कश्मीर एग्जीक्यूटिव पुलिस की दूसरी टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए खाके में मालूम काफी जबरदस्त यहाँ पे आज पिछहत्तर जो मेरे अपने आलिशान तकरीर के स्टेडियम में बानीपोरा में जो मुनाकद हुई है तीसरी पलटन यहाँ पे आया गया 21वीं बटालियन एसआई अनिल शर्मा जिनकी कमान संभाले हुए हैं सब इंस्पेक्टर अनिल शर्मा की क्यादत में आरपी एसआई अनिल शर्मा की क्यादत में तीसरा पलटन यहाँ पे आरपी 21वीं बटालियन का आपके बीच पीछे फायर एंड एमरजेंसी सर्विस की टुकड़ी जिनकी तैयारी करते हैं आशिक अहमद पर फायर एंड एमरजेंसी की टुकड़ी चाहे चौबन दस्ता फायर एंड एमरजेंसी मार्च पास की टुकड़ी पंडर कमांडर आशिक अहमद पर की क्यादत में सलामी मंच के सामने से सबका मन होते लिए यहाँ पे चाकू चौबन दस्ते के पीछे एक और दस्ता यहाँ पे जम्मू कश्मीर होम गार्ड्स का जम्मू कश्मीर स्पेशल पुलिस ऑफिशियल्स का कांस्टेबल समीर हुसैन की क्यादत में पांचवें दस्ता यहाँ पे जम्मू कश्मीर स्पेशल पुलिस ऑफिशियल्स का समीर हुसैन जिनकी क्यादत कर रहे हैं आपके ठीक पीछे यहाँ पे छठा दस्ता जम्मू कश्मीर होम गार्ड्स का कैसर अहमद की क्यादत में और सबसे गुजारिश है कि सभी की हौसला अफजाई यहाँ पे मार्च पास के लिए जो जूरी मुकर्रर की गई है आपने डिप्टी कमिश्नर बांदीपुर एसएसपी बांदीपुर की तरफ से नुमाइंदा डीवा एसएसपी बांदीपुर कमांडिंग अफसर थर्ड बटालियन यहां पे जम्मू कश्मीर होम गार्ड्स के बाद स्कूली बच्चों के एनसीसी मार्च पास टुकड़ी एनएम हायर सेकेंडरी स्कूल बांदीपुर आपकी कमान संभाले हुए मोहम्मद वसीम सीनियर अंडर ऑफिसर कौशल के साथ यहाँ पे एनसीसी एनएम हायर सेकेंडरी स्कूल बांदीपुर मोहम्मद वसीम जिनकी क्यादत कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर का कोर्स करके आए अक्सर देशर बच्चे इनके आदि परेड में शिरकत करके आ चुके हैं आपके ठीक पीछे खाकी में ही मलबूस यूनिफॉर्म हमारा स्कूली बच्चों का कंटिजेंट एनसीसी कैडेट्स आर्मी गुजर स्कूल बांदीपुरा का दस्ता अनारुल इस्लाम की क्यादत में
स्टबड़ी में भी कई सारे बच्चों ने रिपब्लिक डे परेड दिल्ली में शिरकत की, राजपथ पे जाके इन्होंने वहां के तकरीब में शिरकत किया। एनसीसी एजीएस बांदीपुर, एक अच्छी शुरुआत आपके ठीक पीछे यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल कोल मुकाम का स्कूली दस्ता आपकी क्यादत कर रहे हैं, पलटन की क्यादत कर रहे हैं आदिल हुसैन खान। आदिल हुसैन खान स्कूली बच्चों का आठवां दस्ता यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल कोयल मुकाम, आपके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल नादी हल जूरी हजरात जान दे, आपके ठीक पीछे यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल नादी हल कैमरा लाही की क्यादत में अपने स्कूल का परचम भी साथ लाया है, सफेद ट्रैक सूट में मलबूस हायर सेकेंडरी स्कूल नादी हल। हायर सेकेंडरी स्कूल नादी हल के कुछ फासले के बाद यहाँ पे जो दस्ता आ रहा है गर्ल्स हाई स्कूल पार्क, आप सबको बताते चले 75वें यौमे जुमहूरिया की आलीशान तकरीब आज इसके स्टेडियम बांदीपोरा में मुनक्कद हो रही है। आज यहाँ पे मार्च पास में यूनिफॉर्म कॉन्टिजेंट के साथ स्कूली बच्चे शिरकत कर रहे हैं। आज की परेड के लिए जो जूरी का इंतखाब किया गया है, आप है एडीसी बांदीपुर एसएससी बांदीपुर तरफ से नुमाइंदे हैं, डीए एसएससी बांदीपुर कमानी का चेयरमैन बटालियन बॉयज हाई स्कूल बाग की टुकड़ी शाह सालिक की क्यादत में, शाह सालिक की क्यादत में बॉयज हाई स्कूल बाग की टुकड़ी स्कूली बच्चों की मार्च पास टुकड़ियां यहां पे धीरे धीरे सलामी मंच के सामने से आज 75वें यौमे जुमहूरिया के एजाज पर सलामी मंच पे आज के तकरीब के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन जनाब अब्दुल गनी बट साहब आपके हमरा यहां पे जिला के सरबरा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गुजरेल बकरवाल हॉस्टल की भाजपा टुकड़ी मोहम्मद सरफराज खान की क्यादत में 12वीं टुकड़ी यहां पे सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई सलामी मंच पे मेहमान खुशी के हमरा डिप्टी कमिश्नर बांदीपुर एसएसपी बांदीपुर राष्ट्रीय ध्वज और मार्च पास्ट कॉन्टिजेंट से सलूट लेते हुए खूबसूरत दस्ता गर्ल्स गुजरेल बकरवाल हॉस्टल का, आपके बाद है यहां पे बॉयज हाई स्कूल काजीपोरा का दस्ता यासिर मुश्ताक की क्यादत में, यासिर मुश्ताक क्यादत कर रहे हैं। यासिर मुश्ताक की क्यादत में बॉयज हाई स्कूल काजीपोरा का दस्ता ठीक यहां पे राष्ट्रीय ध्वज को सलूट करता हुआ, आपके ठीक पीछे हायर सेकेंडरी स्कूल आरागाम का दस्ता यहां पे पहली बार मार्च पास में शिरकत कर रहे हैं हायर सेकेंडरी स्कूल आरागाम हारिस इश्तियाक की क्यादत में। हारिस इश्तियाक की क्यादत में हायर सेकेंडरी स्कूल आरागाम का दस्ता यहां पे हायर सेकेंडरी स्कूल आरागाम के मार्च पास का डिजिट के ठीक पीछे यहाँ पे बार स्काउट्स एंड गाइड्स का प्लाटून यहाँ पे मुंतजर महराज की क्यादत में बार स्काउट्स एंड गाइड्स जो एक बैन अक्वामी तंजीम है और हमारे मुल्क में इनका एक कलीदी रोल है। हर एक सिचुएशन में अपनी खिदमत से यहाँ के लोगों की खिदमत करते हैं बार स्काउट्स गाइड्स अपनी आपके पलटन की क्यादत कर रहे हैं मुंतजर महराज। एक और स्कूली बच्चों का दस्ता स्पेसेज पब्लिक स्कूल बांदीपोरा सलमान रजीद जिनकी क्यादत कर रहे हैं सलमान रजीद की क्यादत में स्पेसेज मॉडल स्कूल का दस्ता सलमान रजीद की क्यादत में स्पेसेज मॉडल स्कूल का दस्ता आपके ठीक पीछे स्कूली बच्चों का आखिरी दस्ता जो आपके सामने से गुजरेगा हायर सेकेंडरी स्कूल आलूसा आसिफ मुमताज आपकी क्यादत कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ड्रेस व्हाइट ड्रेस सूट में मलबूस यहाँ पे अपने स्कूल का परचम भी साथ लाया हायर सेकेंडरी स्कूल आलूसा का दस्ता आसिफ मुमताज की क्यादत में
75वें जमहूरिया की आलीशान तकरीब इसके शेरे बानीपुरा में मुल्क भर के साथ यहाँ पे मुनक्कद हो रही है और आपके ठीक पीछे आज की बैंड की कमान में एक अहम हिस्सा जम्मू कश्मीर पुलिस का एग्जीक्यूटिव बैंड ब्रादर कमांडर सज्जाद अहमद फजा को बहुत तरफा दिल है अपनी दिलकश टीम से और अपनी दिलकश अदा से जम्मू कश्मीर पुलिस का एग्जीक्यूटिव बैंड निराली अदा है उनकी और निराली बहुत ही खूबसूरत पास जम्मू कश्मीर पुलिस का ब्रादर कमांडर सज्जाद अहमद और आप सबसे गुजारिश है कि आप चंद लम्हात के लिए जम्मू कश्मीर एग्जीक्यूटिव पुलिस बैंड का यहाँ पे करतब देखेंगे और यहाँ पे इनकी बहुत ही खूबसूरत डेमोन्स्ट्रेशन आज जिसका सारा सेहरा जिला के सिक्योरिटी सरबरा एसएसपी बांडीपुर श्री लक्ष्य शर्मा को जाता है जिनके अंतर मेहनत और प्यार के बाद इनको तैयार किया जाता है ट्रेन किया जाता है जम्मू कश्मीर पुलिस का एग्जीक्यूटिव बैंड मजहब में सिखाता आपस में तैयार